बिस्मिल्लाह। हजरत इमाम अली अलैहि इस्लाम रस्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स दूसरे शख्स को मजाक में गाली दे रहा है, तो हजरत इमाम अली अलैहि इस्लाम इनके पास गए और फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदो, याद रखो तुम्हारे मुंह से निकली हुई गाली तुम्हें ही बर्बाद करेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अल्लाह ने हर इंसान के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो उसका मुहाफिज होता है और उसके लिए बरकत और कामयाबी के असबाब पैदा करता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह की मखलूक को गाली देता है या बुरा भला कहता है तो गलत अल्फाज की वजह से वो बरकत का फरिश्ता इस इंसान से दूर हो जाता है, तो वो गाली देने वाला इंसान मुसीबतों और परेशानियों में गिरफ्तार होकर तबाह व बर्बाद हो जाता है। याद रखो, अपनी जुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज अदा करो, क्योंकि तुम्हारी जुबान से निकले हुए अल्फाज ही तुम्हारे मुकद्दर को तहरीर करते हैं।